बात करेंगे नियोजन के उद्देश्यों की, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा भावी कार्यों में निश्चितता, सर्टेनिटी इन फ्यूचर वर्क। भावी, जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो जाता है, भविष्य के लिए यानी फ्यूचर के लिए। नियोजन के माध्यम से संस्था की भावी गतिविधियों में अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता लाने का प्रयास किया जाता है, यानी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, यानी जो भी हमारे डाउट्स हैं उनकी जगह पर सर्टेनिटी लाने का एक प्रयास किया जाता है। हम प्लानिंग करते हैं, अगर प्लानिंग में फ्यूचर में हमारे लिए कोई डाउट्स हैं, कुछ भी जो हमारे प्लानिंग के बीच में एक रुकावट बन के आ रही है, उस रुकावट को रोकना और अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता लाना नियोजन का एक उद्देश्य है। नंबर टू, पूर्वानुमान लगाना, टू एंटिसिपेट। पूर्वानुमान नियोजन का सार है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाना है। जो नियोजन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है, फ्यूचर फोरकास्टिंग, यानी हमें फ्यूचर के बारे में देखना। जो भी हम कुछ करते हैं, प्लान करते हैं, तो वो प्लान अभी हाल फिलहाल के लिए तो नहीं होगा, वो फ्यूचर के लिए होगा। तो जो भी प्लान हम कर रहे हैं वो भविष्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं, हम पूर्वानुमान लगाने के लिए कर रहे हैं, फॉर एंटिसिपेशन। नंबर थ्री, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना, अचीव द सेट गोल्स। जो भी हमने अपने उद्देश्य, लक्ष्य हमने जो निर्धारित किए हैं कि हम ये प्लान बना के इस प्लान को ऐसे अंजाम दे के ये उद्देश्य हमें प्राप्त करना है, तो जो भी हम उद्देश्य करते हैं उन उद्देश्यों को पाने के लिए प्लान ऐसा हो ताकि हमें वो ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएं, प्राप्त हो जाएं। नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना है। नंबर फोर, प्रतिस्पर्धा पर विजय माना, ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन। दाव पेचपूर्ण नियोजन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में विजय पाने में सहायक सिद्ध होता है। यानी जो भी हम प्लान करते हैं, कुछ ऐसा प्लान करें कि जो हम कॉम्पिटिशन है, जो भी हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन करें, हमारे जो और कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें हम क्या करें, अपनी विजय प्राप्त करें। जो भी हमारी प्रतिस्पर्धा में रुकावटें हैं हम उनको ओवरकम करें और अपनी प्रतिस्पर्धा को जीत जाएं, विजय प्राप्त कर लें। नंबर फाइव, कुशलता में वृद्धि करना, इंक्रीज एफिशिएंसी। नियोजन का एक मूलभूत उद्देश्य उपक्रम की कुशलता में वृद्धि करना है, यानी जो एक नियोजन है, एक प्लानिंग है, उसका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी उसका उपक्रम है उसमें कुशलता बनी रहे और कुशलता बनने के साथ साथ उस कुशलता में वृद्धि हो। नंबर सिक्स, भावी जोखिम में कमी, फ्यूचर रिस्क रिडक्शन। नियोजन उपक्रम की भावी जोखिम एवं संभावनाओं को परखता है, यानी जो नियोजन है वो उपक्रम की भावी यानी फ्यूचर में जो भी जोखिम और संभावनाएं हैं जोखिम होने की, वो उन सबको परख लेता है एवं भावी जोखिमों में कमी लाता है। हम नियोजन इस प्रकार से करते हैं कि अगर हमारे सामने फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई डेंजर आने वाला है, कोई खतरा आने वाला है, तो हमारा जो नियोजन है वो उस चीज़ को परख लेता है, उस चीज़ को समझ जाता है और समझने के बाद उन जोखिमों में कमी लाने का काम करता है।